नमस्कार दोस्तों, आज का जो अपना ये वीडियो है, ये इसका मेन टारगेट ये है कि जो एनटीपीसी की जो तैयारी करें वो कैसे करें। ठीक है, जो भाई अपने कोचिंग कर रहे हैं जयपुर में, दिल्ली में, उन सबको ये चीज़ें पता होती है कि तैयारी कैसे करनी होती है, कौन सी बुक्स पढ़नी होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहता है। ठीक है, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, कुछ जो विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अपने भाई ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, या जा नहीं पाते, मतलब बड़ी सिटी में जा नहीं पाते, तो या तो गांव में रह के तैयारी कर रहे होते हैं, या खुद की जो मेहनत होती है उसी से उनका तैयारी चल रहा होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको क्या कि गाइडेंस नहीं मिलता है कहीं से, कोई टीचर बताता नहीं है। ठीक है, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, मैं एनटीपीसी से सिलेक्टेड हूँ, अभी वर्तमान में रेलवे में ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं एनटीपीसी में दिया था मेरी 45 ही रैंक थी। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि एनटीपीसी जो होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, वो किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, क्या उनका स्टैंडर्ड रहेगा, क्या लेवल रहेगा एग्ज़ाम का, और इस तरह के एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी करने से आपको जल्दी सफलता मिल सकती है, क्योंकि अगले 2 महीने वो आपके लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। ठीक है, वो अगले 2 महीने में जो आप तैयारी करोगे वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, ये सबसे मेन फोकस रहेगा अपने इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप शुरू से लगा के लास्ट तक देखें। ठीक है, इसमें अपन हर एक प्रस्पेक्टिव, हर एक तरीके का वर्णन करेंगे कि किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं, मैं उसका, कोई भी शंका हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, वो आप ज़रूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड कुछ किसी भी तरह का कोई भी मन में डाउट हो तो आप हमें बता दें। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तैयारी कर, जैसे फॉर्म भर दिया होगा, ये अभी मार्च से एंड तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, सब ने अपने अपने जोन से फॉर्म भरे होंगे, अपना जो अच्छा लगा होगा भी कौन से जोन जोन में कट ऑफ कम रहती है। जैसे किसी को अगर नौकरी लगनी है तो वो चेन्नई और बेंगलोर से भरो, वहाँ कट ऑफ पिछले बार भी कम रही थी, तो आशा करते हैं कि इस बार भी थोड़ी कम ही रहेगी। ठीक है, मालदा है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, यहाँ पर थोड़ी कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, तो ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है, ज़रूरी नहीं कि कट ऑफ कम ही रहे, पर ऐसा माना जाता है क्योंकि उधर से लड़के कम फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो अब अपना जो इसमें टारगेट रहेगा एनटीपीसी में, जो तैयारी रहेगी अगले 2 महीने तक, आप इस वीडियो को कंटिन्यू अपनी तैयारी के बीच में भी देखें, ताकि आपको बार बार आप अपने राह भटक रहे हो तो वापस अपने लाइन पे आ जाएं। ठीक है, एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में तैयारी करेंगे कि जैसे आज से स्टार्ट करेंगे तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक अपने एक स्ट्रेट लाइन में तैयारी करेंगे ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि तैयारी सब करेंगे, ठीक है, लगभग इसमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ फॉर्म लगेंगे, तो तैयारी सब करेंगे, पर सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना, जैसे कि 500 पोस्ट है तो 500 लड़के ही लेंगे। ठीक है, तो उन्हीं 500 का लेगा जो सर्वश्रेष्ठ होंगे। ठीक है, कंपटीशन में ये होता है कि आपको सबसे बेस्ट करना होता है, आपका अपना सबसे अच्छा उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम में आपको सबसे अच्छा अपना देना होता है कि भाई आप सबसे अच्छी तैयारी करके गए, आपने जो पढ़ा वही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लक भी इसमें बहुत सारा मैटर करता है। ठीक है, तो अब जैसे अपन स्टार्ट करते हैं एनटीपीसी की तैयारी के लिए, अपन को बेसिक क्या चाहिए होगी, किताबें। अब किताबें कौन सी चाहिए होगी, तो आप पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके। ठीक है, इंग्लिश का इसमें बहुत कम रोल होता है, तो आपको ये फ़ायदा है, जो राजस्थान, हरियाणा और यूपी के, इनको इंग्लिश में ये फ़ायदा है कि इसमें इंग्लिश कम आती है। ठीक है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंग्लिश आपको इसमें बहुत पढ़नी नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो आपको मेन जो फोकस रहेगा वो गणित और रीजनिंग और जीके पर रहेगा। जो मैथमेटिक्स जो होगा ना, वो इसमें स्कोरिंग होगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो स्कोरिंग होगा इसमें, क्या कट ऑफ हाई जाती है, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग लगभग लगभग सभी बच्चों की अच्छी होती है, जिसकी अच्छी नहीं होती उसको अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपको इस एग्ज़ाम में क्लियर करना है तो। ठीक है, आप जीके के दम पे, केवल जीके के दम पे इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि स्कोर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का 100% रहता है। जैसे कि 50 क्वेश्चन आए तो आप 50 में से 50 में से 50 में से उन 50, 47, 48 या 45 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं।
ठीक है, जीके में आप श्योर नहीं हो कि 50 क्वेश्चन आए तो 50 में से 50 या 45 भी सही कर पाएंगे या 40 सही कर पाएंगे। अगर जीके का पेपर टफ फंस गया तो आप 25 भी लगभग कर पाएंगे, 25 तक ही पहुंच पाएंगे सही में। ठीक है, तो स्ट्रेटजी ऐसी रखो कि आप सफल हो जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे इसके अंदर किताबें कौन कौन सी लानी है। ठीक है, तो किताबें कौन कौन सी लानी है, तो किताबों के लिए ये रहेगा कि एक तो आर एस अग्रवाल ले आओ, वो रीजनिंग के लिए भी हो जाएगी, गणित के लिए भी हो जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए आप आर एस अग्रवाल ला सकते हो, मथुरिया ला सकते हो, राकेश यादव ला सकते हो, हरेंद्र सरवाली ला सकते हो, कोई सी भी गणित की जो SSC की तैयारी करवा रही है कोई सी भी बुक ला सकते हो। बेसिक आएगी मैथमेटिक्स, ज़्यादा टफ मैथमेटिक्स नहीं आती है, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आर एस अग्रवाल भी अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आर एस अग्रवाल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस फ़र्क ये रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा स्पीड का, आपको कम टाइम मिलेगा, आपको क्वेश्चन ओके उतने करने हैं। तो आप बेसिक जितने भी क्वेश्चन है, लगभग जैसे 100 क्वेश्चन है तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो उसमें शुरुआत के होते हैं वो करने होते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप शेखावत साहब की किताब ला सकते हो, आर एस अग्रवाल ला सकते हो, दोनों में से ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो रीजनिंग के लिए आपको बता दिया कि शेखावत साहब की किताब है, या किताब ये जो बुक्स के लिए मैंने अलग से वीडियो पहले ही बना दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने किताबों का बकायदा डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि कौन कौन सी किताब कौन सी पढ़नी है। तो और दोबारा बता रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स के लिए कोई सी भी एक किताब फॉलो करना शुरू से लगा के लास्ट तक। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी केवल एक किताब फॉलो करना शुरू से लगा के लास्ट तक, उसी किताब को इस 2 महीने में आपको दो बार करनी है। ठीक है, 2 बार मैथमेटिक्स की और 2 बार रीजनिंग की। ठीक है, जीके के लिए आपको लूसेंट और स्पीडी पढ़नी ही है। लूसेंट को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, और स्पीडी को आप कितनी बार रिवाइज करो वो तो आपको वही क्वेश्चन बार बार रिपीट मारेगी जो रेलवे में आ चुके हैं। ठीक है, अब ये रहेगा अगला टारगेट कि करंट अफेयर्स का क्या रहेगा। तो क्रोनोलॉजी और करंट अफेयर्स आपको पेपर, आप रोज़ पढ़ते हैं तो पेपर पढ़ते रहिए, और क्रोनोलॉजी और जो प्रतियोगिता दर्पण है या फिर दृष्टि की है वो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे, मतलब 1 घंटा डेली सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो, आपको जो सोते वक्त पढ़ो 1 घंटा आपको डेली वो पढ़ना ही है। पिछले 1 साल तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई इश्यू आ रहा हो या कुछ भी उसमें कोई इश्यू आ रहा हो। अब जैसे कि अभी जैसे पेपर पढ़ने के बाद 15 दिन आप रेस्ट कर लीजिए, जैसे 15 दिन आप दूसरे पेपर ये जो किताबें पढ़ा रहे हैं इनका एक बार एनालिसिस कर लीजिए, इन किताबों को अच्छे से एक बार देख लीजिए इनमें क्या क्या मैटर है, किस टाइप का पेपर आता है। फिर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे सारे ओल्ड पेपर, ठीक है, पुराने पेपर सेट मिल जाएंगे, कई सारे जो ग्रुप हैं फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, कई सारे ग्रुप मिल जाएंगे, कई सारे व्हाट्सएप पर ग्रुप मिल जाएंगे, उन पर जो पिछली बार जो पेपर आए थे उन पेपर की PDF डाउनलोड कर लीजिए। उन पेपर की PDF से आप क्वेश्चन का टारगेट लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये आती है, जीके टफ आता है। ठीक है, तो जीके अगर टफ आता है, किसी पेपर में टफ आता है तो वो सारा सारा टफ आ जाता है, किसी में ईजी आता है तो सारा सारा ईजी आ जाता है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करके चलना है। ठीक है, ओल्ड पेपर सेट लगाइए आप जितने भी पुराने हैं। ठीक है, मोबाइल के बारे में ये बता देते हैं आपको कि आप एक तरह से मोबाइल एडिक्ट ना हो जाएं पेपर की तैयारी के दौरान, अगर आपको सीरियसली जॉब लगनी है तो ये मेरी बात मानिए, आप मोबाइल को आप एक तरह से छोड़ दीजिए। आजकल क्या हो रहा है कि जनरेशन गैप है तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप कम से कम मोबाइल में टाइम वेस्ट करें और पेपर सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ठीक है, टाइम टेबल कैसा बनाएं, टाइम टेबल एक शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप स्पेशली तैयारी ही कर रहे हैं तो आपके पास पूरा दिन मिलता है। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम समय मिलता है। ठीक है, तो दिन में 3 से 4 घंटे मोर देन सफिशियंट होते हैं। बहुत सारे कहते हैं 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे खूब होते हैं। अगर आप दिमाग लगा के 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो खूब होते हैं, पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 6 घंटे भी दे सकते हैं। पर यह है कि आप समय दे रहे हैं ना, वो आप पढ़ाई में ही दें और इधर उधर नहीं दें। अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे पढ़ाई में दें, उसके अलावा जो फालतू टाइम है उसमें आप कुछ क्रिएटिव करें। ये नहीं कि आप अपना टाइम फालतू की ऐसी टेंशन दिमाग में नहीं लें जिस टेंशन से आपका पढ़ाई में ध्यान डाइवर्ट हो या पढ़ाई के पढ़ते वक्त आपका ध्यान इधर उधर की बातों में लग जाए। ठीक है, तो जो मेन फंडा रहेगा वो ये रहेगा कि अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं।
तो सुबह आपको 2 घंटे तो मैथमेटिक्स या रीजनिंग जो भी आपको पढ़ना हो वो सुबह 2 घंटे वो पढ़ें, और रात को सोने से पहले करंट अफेयर ज़रूर देख लें एक बार, ठीक है। जीके, करंट अफेयर, वो अपनी अपनी सहूलियत है, आप कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो ज़रूर पढ़ें, पर बेस्ट ऑफ लक। आप इस पेपर में नए हैं तो हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं आपको जोड़ देता हूँ, आप जो तैयारी कर रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन होगा, कई सारी शिफ्ट में होगा, ठीक है। जिनको ये नहीं पता उनको बता देते हैं, जैसे एक दिन पेपर कंटिन्यू 1 महीने तक चलता है, ठीक है। जो पहला पेपर होगा वो आपका अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या होम स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड सेकंड पेपर होगा वो आपको जहाँ से आपने जोन भरा वहीं पे होगा। दूसरी बात कि पेपर ऑनलाइन होगा तो इसमें क्या होता है कि स्लेकिंग की प्रॉब्लम होती है, कई बार आप क्लिक करते हैं वो क्वेश्चन अगला आता है, देरी से आता है, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर सेट के लिए आपको एक बार ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, रेलवे खुद अपने सॉफ्टवेयर में देगा, पेपर से पहले देगा रेलवे, ठीक है। इनकी RRB की साइट पे आ जाता है, वहाँ आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए कॉपी किताब से, ठीक है। कॉपी किताब से जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑनलाइन स्टडी में भी मिलता है, कईयों को सिलेक्शन होते भी हैं, कईयों को फ़ायदा मिला भी है। पर जहाँ तक मेरा सोचना है कि आप किताब लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए, 100 ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, रेलवे से रिलेटेड कुछ कोई भी इश्यू हो, आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू हो तो आप इसको नीचे कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये गाइडेंस के तरीके से आप उसको बता सकते हैं, वीडियो उनको तक पहुँचाइए ताकि उनको भी आगे पता चले कि कौन सी किताब से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। धन्यवाद।